Good morning, students. Today we will start exercise 9.5 of chapter 9, algebraic expressions and identities. So आज हम exercise 9.5 start कर रहे हैं. Exercise 9.5 जो है वो हमारी identities पर based है. तो exercise 9.5 start करने से पहले हमें कुछ identities हैं जिन्हें हम standard identities कहते हैं mathematics की, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको discuss करेंगे हम, ताकि हम exercise 9.5 को easily कर सकें. तो एक्सरसाइज 9.5 करने के लिए हमें वो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए. तो मैं आपको आइडेंटिटीज बता रही हूँ कि वो कौन सी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जो हमारी मैथमेटिक्स की होती हैं, जो एक्सरसाइज 9.5 में काम आएंगी. वो है, पहली आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर जो किस में ओपन होती है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसी तरह से सेकेंड आइडेंटिटी होती है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो एज इट इज a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह होती है, बस यहाँ पर 2ab के बाद पहले क्या लग जाता है, माइनस. तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि ओपन होती है a प्लस बी और a माइनस बी में. तो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि ओपन होती है a प्लस बी और a माइनस बी में. और अगर हमको a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, अगर हमें a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा हो तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. उसी तरह से हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है जो कि होती है x प्लस a और x प्लस b जो किस में ओपन होती है, जो ओपन होती है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस का ए बी. तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं जो एक्सरसाइज 9.5 में पूछी जा सकती है और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. तो सबसे पहले हम इन आइडेंटिटीज को समझ लेंगे. पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेकंड होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होती है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर. थर्ड होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जिसको जो ओपन होती है a प्लस बी a माइनस बी में. और अगर a प्लस बी a माइनस बी दे रखा तो आप उसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. फोर्थ आइडेंटिटी होती है x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b. तो इन आइडेंटिटीज को आपको पता होना चाहिए और ये आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज 9.5 में काम आएंगी. देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 9.5 का है. फर्स्ट है यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, पर हमें जो अब प्रोडक्ट फाइंड करना है वो आइडेंटिटीज का यूज करते हुए करना है. जो भी सूटेबल आइडेंटिटीज के लिए यूज हो रही है उसका यूज करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमें दे रखा है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री. देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. कैसे करेंगे, एक्स प्लस थ्री कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है. तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती एक्स प्लस थ्री की पावर टू, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस थ्री की पावर वन है, यहाँ पर एक्स प्लस थ्री की पावर वन है. जब बेस सेम होते हैं तो पावर सेम हो जाती है, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री की पावर टू. ठीक है, तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. इसमें ए हो गया हमारे पास एक्स और बी क्या हो गया, थ्री हो गया. ठीक है, ये आइडेंटिटी खुलती है हमारी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर में. ठीक है, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस टू, ए क्या है यहाँ पर एक्स और बी क्या है यहाँ पर थ्री, प्लस बी का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर. तो यहाँ पर आ गया थ्री का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री का क्या होता है सिक्स, तो सिक्स का एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन. तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन. तो इसी तरह से आपको आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड. सेकेंड हमें क्या गिवन है, टू वाई प्लस फाइव मल्टीप्लाई टू वाई प्लस फाइव. 2y प्लस फाइव, टू वाई प्लस फाइव. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2y प्लस फाइव का पावर 2, मतलब होल स्क्वायर लिख देंगे. तो अगेन कौन सा आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर की बन गई. तो किस में खुलेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में. a यहाँ पर है हमारे पास 2y और b हमारे पास है 5. तो a का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर,
प्लस टू ए क्या है यहाँ पर टू वाई और डी यहाँ पर क्या है फाइव प्लस बी क्या है यहाँ पर फाइव का स्क्वायर टू वाई का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू फोर टू सा फोर फोर फाइव सा ट्वेंटी तो ट्वेंटी का वाई प्लस फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव तो हमारे पास कितना आ गया प्रोडक्ट इसका फोर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वाई प्लस ट्वेंटी फाइव थर्ड देखते हैं थर्ड हमें क्या गिवन है थर्ड हमें गिवन है टू ए माइनस सेवन मल्टीप्लाई टू ए माइनस सेवन तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं टू ए माइनस सेवन की पावर टू ठीक है इस बार जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है वो कौन सी बन रही है वो बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस बार कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बीच में साइन क्या है माइनस का जो इसमें ओपन होती है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर ए है हमारे पास टू ए और बी क्या है सेवन तो ए का स्क्वायर मतलब टू ए का स्क्वायर माइनस टू ए क्या है आपस टू ए है और बी क्या है सेवन है प्लस सेवन का स्क्वायर मतलब क्या हो गया बी का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर फोर होता है ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है माइनस टू टू सा फोर फोर सेवन सा ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट ए प्लस सेवन का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी नाइन तो हमारे पास आंसर कितना आ गया फोर ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट ए प्लस फोर्टी नाइन नेक्स्ट करते हैं फोर्थ फोर्थ हमें क्या गिवन है फोर्थ हमें गिवन है थ्री ए माइनस वन डिवाइडेड टू थ्री ए माइनस वन डिवाइडेड टू तो इसको हम क्या लिख सकते हैं थ्री ए माइनस वन डिवाइडेड टू का होल स्क्वायर तो आइडेंटिटी ओपन होगी किसमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर में जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर में तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है ए है हमारे पास यहाँ पर थ्री ए और बी क्या है हमारे पास माइनस का हाफ ठीक है तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम करेंगे ए का स्क्वायर मतलब थ्री ए का स्क्वायर माइनस टू ए क्या है थ्री है और बी क्या है माइनस का हाफ प्लस बी का स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया हाफ का स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन नाइन ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा नाइन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा टू से टू कट गया क्या बचेगा थ्री ए और यहाँ पर वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर तो नाइन ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस का वन अपॉइंट फोर प्लस का बचेगा वन अपॉइंट फोर ना इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप खुद से ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि उसमें कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है यूज द आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स देखो उसने क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पहले ही बोल दिया है हमें उससे आइडेंटिटी दे रखी है और बोला है कि इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हमको अब ये तो पता नहीं लगाना कि हमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करनी है क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही बोल दिया है कि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए जो हमें दे रखे हैं एक्सप्रेशन उनकी क्या फाइंड करेंगे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे फर्स्ट हमें गिवन है x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस सेवन तो हमें आइडेंटिटी लगानी है x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी ठीक है तो यहाँ पर a क्या है हमारा a है हमारा थ्री और b क्या है हमारे पास सेवन तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी मतलब थ्री प्लस सेवन इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी मतलब थ्री इंटू सेवन तो एक्स स्क्वायर प्लस टेन का एक्स प्लस ट्वेंटी वन हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन कैसे आया ये देखो हमारे पास आइडेंटिटी उसने बोली है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी यूज कर दिए तो यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो थ्री है और बी हमारे पास क्या है बी हमारे पास सेवन है इस आइडेंटिटी को देखेंगे तो ए क्या है थ्री है और बी क्या है सेवन है तो ये आइडेंटिटी ओपन होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी में तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ए प्लस बी मतलब थ्री प्लस सेवन एक्स का एक्स प्लस ए इंटू बी मतलब थ्री इंटू सेवन तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सेवन कितना होता है टेन टेन का एक्स प्लस थ्री सेवन से कितना होता है ट्वेंटी वन तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन नाउ सेकंड पढ़ते हैं सेकंड हमें गिवन है फोर प्लस फाइव मल्टीप्लाई फोर एक्स प्लस वन देखो हमारी आइडिया
क्वांटिटी क्या होती है जिसमें हमको यूज करने को बोली x plus a, x plus b, जो कि ऊपर होगी x square plus a plus b, x plus a b, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास x जो है वो तो 4x हो गया, a हमारे पास क्या हो गया 5 और b हमारे पास क्या हो गया 1। तो इसमें हमको रख देनी है वो x का स्क्वायर, मतलब 4x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस a क्या है, a है 5 और b क्या है 1 1, और x क्या है, फिर x है हमारे पास अगेन 4x, x क्या है हमारे पास 4x प्लस a क्या है हमारे पास 5 और b क्या है हमारे पास 1। फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 16, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 कितना होता है 6 और 6 4 का कितना होता है 24, तो 24 का x प्लस 5 बन जा 5, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। थर्ड देखते हैं, थर्ड हमें गिवन है 4x माइनस 5 मल्टीप्लाई 4x माइनस का 1, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर क्या है 4x स्क्वायर, फिर प्लस का a क्या है, a हमारे पास क्या है 5, a हमारे पास इस केस में क्या है 5 है, तो 5 उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है 1। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे a है माइनस का 5 और b क्या है माइनस का 1, फिर इंटू करेंगे इसको x से, तो x क्या है 4x प्लस a इंटू b, मतलब 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो 4x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 प्लस 1 6 6 4 जा 24, तो मतलब इसका 24 माइनस का 24 माइनस 24x प्लस का 5, 5 1 जा 5 और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5, तो 16x स्क्वायर माइनस के 24x प्लस 5। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर रहे हैं। नाउ इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किस क्वेश्चन में किस तरह की आइडेंटिटी यूज करके हम इनको सॉल्व करना है।